और मैं भी बनाना सिखाऊंगी। तो चले आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एग पुडिंग बनाने के लिए हमें 400 ml जो है नीम गरम दूध चाहिए। आपने ठंडे दूध का और गरम दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसमें 4 tablespoons चीनी का इस्तेमाल करेंगे, 1 teaspoon वनीला पाउडर, आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 2 tablespoons ड्राई मिल्क पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 4 अंडे डालेंगे और अंडे डालने के बाद आपने ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, बस इतना करना है कि अंडे दूध में मिक्स हो जाएं। हमारा एग पुडिंग मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आइए कैरेमल बना लेते हैं। कैरेमल बनाने के लिए 1/2 cup हमें चीनी चाहिए, 1 tablespoon वाटर डालेंगे। अब आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है और चमचा मसलसल हिलाते रहना है। आपने चीनी को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने देना है, क्योंकि चीनी जब डार्क ब्राउन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी स्वीटनेस जो है वो करवाट में चेंज हो जाएगी। तो आपने अपने कैरेमल को लाइट ब्राउन रखना है। कैरेमल को जब आप अपने बर्तन में डाल रहे होंगे तो अपने बड़े ध्यान से डालना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और जिस जगह पर गिर जाता है उधर से उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसको जब अपने बेकिंग ट्रे में डालेंगे तो बहुत एहतियात से डालना है। कैरेमल हमारा जो है तैयार हो चुका है। आए इसको हम अपने बेकिंग बाउल में डालते हैं जिसमें हमने पुडिंग बनानी है। मेरे पास ये एक बेकिंग बाउल है, इसको मैंने कोई ग्रीस नहीं किया है, डायरेक्ट मैं इसके अंदर अपना कैरेमल डाल रही हूँ और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मेरा कैरेमल जो है वो सेट हो चुका है बाउल में, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं जो मेरा एग पुडिंग का मिक्सचर है वो डालूंगी। पहले चूल्हे पे बनाना सीख लेते हैं। चूल्हे पे बनाने के लिए आप एक पॉट ले लेंगे, उसमें 1 liter पानी डालेंगे, उसे उबलने के लिए रख देंगे। कोशिश करिएगा कि आप स्टेनलेस पॉट का इस्तेमाल करें, क्योंकि एलुमिनियम और नॉन स्टिक पैन जो हैं वो काले हो सकते हैं पानी के उबलने की वजह से। अब आपने इस तरह की कोई जाली लेनी है, वो आपने अपने बर्तन के अंदर फिक्स कर देनी है। मेरी जाली मेरे बर्तन से बड़ी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कोई भी बर्तन या इस तरह की छन्नी जो है स्टैंड के तौर पर अंदर रख दूँगी और अपना जो मेरा बर्तन है जिसमें मैंने अपनी पुडिंग डाली थी वो रख दूँगी और कवर करके इसको आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पका लूँगी। हमारी एग पुडिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 2 घंटे के बाद मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं, आए इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। ओवन में हम कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। ओवन में बनाने के लिए आपने एक ट्रे लेनी है, उसमें गर्म पानी डालना है और गर्म पानी के ऊपर आपने अपना बाउल रख देना है। बाउल को कवर करने की ज़रूरत नहीं है बेकिंग के दौरान। और इसको मैं 180 पे 30 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। हमारी पुडिंग बेक हो चुकी है, आप इस तरह टूथपिक डालकर भी चेक कर सकते हैं। मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं, आए इसको सर्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।